Assalamu alaikum everyone. In this video, I am going to tell you the reasons and the consequences of the decline of Mughal Empire into the subcontinent. In the last video, we have covered the complete first topic, that was about the different personalities who contributed a lot towards the spread of Islam into the subcontinent. Ab ye dusra topic hai. Isme hum detail mein baat karenge about the reasons of the decline of Mughal Empire into the subcontinent and its consequences as well. Ke unke decline hone ki wajah se, Mughals ki power ke kam hone ki wajah se, consequences kya hue, kaun si dusri powers thi jinhone subcontinent ko overcome kiya. Before going towards the decline of the Mughal Empire, thoda sa ek introduction just to make a story ke subcontinent mein Mughals aaye kaise, pehla Mughal ruler kaun aaya aur usne kis tarah se apni empire ko strong kiya aur phir wo chalte chalte kaise apne peak pe pahunche, and then towards the decline which were the main causes aur kaun se wo rulers the jinke daur mein hua, ye sari cheeze inshaallah cover. अब अगर मुगल रूलर्स की बात करें तो पहला मुगल रूलर था बाबर. ही वॉज द पर्सन हु केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर. तभी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई जिसमें इसने यहाँ के लोकल रूलर्स को शिकस्त दी और अपने एम्पायर को स्प्रेड किया इन टू द सब कॉन्टिनेंट. फिर उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं. हुमायूं वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एज हिज फादर. उसको शेरशाह सूरी ने यहाँ शिकस्त दी और उसको यहाँ से निकलना पड़ा. ही वेंट टू ईरान. मैं ये चीज़ें बड़ी स्पीड से वाइंड अप करूँगा बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिकॉल देम सो दैट अ स्टोरी शुड बी देयर इन योर माइंड, ताकि आप इन चीज़ों को याद रख सको. तो इनकी सीक्वेंस याद रख लो ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. पहले बाबर आया, फिर हुमायूं. हुमायूं वॉज द पर्सन हु ट्राई टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर फर्स्टली हियर, बट ही वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी. ही वेंट टू पर्शिया, ईरान, और वहाँ इसने फिर काफ़ी अर्सा गुजारा. वहाँ के रूलर्स ने फिर इसको हेल्प आउट किया. एंड व्हेन ही केम बैक टू द सब कॉन्टिनेंट, ही केम बैक विद द पर्शियन कल्चर, विद द पर्शियन पीपल. बहुत से इसके वुजरा, इसकी बीवियाँ, दोज वर एक्चुअली फ्रॉम पर्शिया, जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन कल्चर भी प्रमोट हुआ. तो हुमायूं वॉज द पर्सन हु केम बैक, ही अगेन defeated to the successors of Sher Shah Suri and consolidated his empire here in subcontinent again. फिर उसके बाद हुमायूं के बाद आता है अकबर. अकबर वॉज एक्चुअली द पर्सन जिसने यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपनी सल्तनत को, एंड ही वॉज एक्चुअली अ पर्सन अ मॉडरेट सॉर्ट ऑफ मुस्लिम. उसने खुद को बहुत मॉडरेट रखा एज अ गुड रूलर, एज अ गुड लीडर. ही वॉज वेरी मच सक्सेसफुल. Hindus, Muslims, all the communities who were living into the subcontinent were very much happy from him. That's why he was not facing any sort of conspiracy. तो उसको अपनी एम्पायर को स्प्रेड करने का, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करने का और अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करने का चांस ज़्यादा मिलता रहा बिकॉज ही वॉज नॉट फेसिंग एनी कंस्पायरेसी. तो अकबर वॉज द पर्सन, ही वॉज द की कंपोनेंट, ही वॉज द की रूलर जिसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया मुगल एम्पायर को इन टू द सब कॉन्टिनेंट. लेकिन अगर मुस्लिम हिस्टोरियंस की राइटिंग्स को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है जैसे अकबर वॉज नॉट अ गुड रूलर एज अ मुस्लिम. एज अ रूलर ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एज अ मुस्लिम ही वॉज नॉट गुड. जैसे आपने पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा कि देर वर टू नोबल्स हु वर सराउंडेड, अकबर वॉज सराउंडेड बाई देम, अबुल फैजी और फैज़ एंड अबुल फैजी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे उनके नाम ठीक तरह याद नहीं है. तो दो नोबल्स थे जिन्होंने इसको डिक्टेट किया, इसको गाइड किया, जिसकी वजह से इसने अपना एक नया दीन इंट्रोड्यूस करवा दिया दीन इलाही के नाम से, जिसमें उसने सारों को इक्वल राइट्स की बात की और अजीब सी कुछ इस्लाम से हट के चीज़ें थी. बट दोज वर एक्चुअली द रीज़न ऑफ हिज फेम अमंग द अदर कम्युनिटीज़. अब सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स तो थे ही थे, लेकिन हिंदूज की बहुत बड़ी कम्युनिटी थी. तो इसने अपनी कोर्ट में बहुत ज़्यादा हिंदूज को अपॉइंट किया. इसने खुद जोड़ा से शादी की, शी वॉज अ हिंदू गर्ल, उससे शादी कर ली, जिसकी वजह से भी इंडियन कल्चर और इंडियन लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए इससे. और आज भी वो इसको बड़ा अच्छा रूलर कहते हैं. आप इंडियन हिस्टोरियंस की अगर राइटिंग्स पढ़ते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइक हिंदू हिस्टोरियंस की, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द अकबर, दे आर कॉलिंग हिम इन अ वेरी गुड वे. फिर इसने बहुत सी ऐसी रिफॉर्म्स की जैसे जिजिया टैक्स. लेट मी गिव यू अ लिटल इंट्रोडक्शन ऑफ जिजिया टैक्स. इस पर क्वेश्चन भी आता होता है फोर मार्क का कि व्हाट इज जिजिया टैक्स. जिजिया टैक्स वो टैक्स होता है विच एनी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ टू पे इफ दे आर लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ द मुस्लिम लीडर.
लाइक मुस्लिम रूलर की टेरिटरी में रहने के लिए, क्योंकि मुस्लिम रूलर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उनके सारे राइट्स का ख्याल रखेगा, तो एक टैक्स पे करना होता है नॉन मुस्लिम्स को, उसको कहते हैं जिजिया टैक्स। अब ये जिजिया टैक्स हमेशा से मुस्लिम रूलर इम्पोज करते रहे ऑन द डिफरेंट नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, लेकिन अकबर ने कहा कि ये जिजिया टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज, तो अकबर ने इसको ख़त्म करवाया। फिर अकबर ने अपने कोर्ट में बहुत सी ऐसी म्यूज़िक और डांस की जो है गैदरिंग्स रखी, जिसकी वजह से जो एक्चुअली हिंदुओं के रिलीजन का पार्ट था, तो हिंदूज वर वेरी मच प्लीज फ्रॉम हिम। तो एनी हाउ इफ वी मूव ऑन फ्रॉम अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा आया जहांगीर। जहांगीर ने आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया, उसकी चेन ऑफ जस्टिस बहुत मशहूर है, एंड सो उसने भी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस की टूवर्ड्स द कंसोलिडेशन कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर। फिर उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां जो है, यहाँ से असल में शाहजहां के बेटों से एज पर सम हिस्टोरियन डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर शुरू होता है शाहजहां के बेटों से। शाहजहां वॉज हैविंग फोर सन्स, दारा शिकू, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। अब ये चारों नाम आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस और ये की कंपोनेंट है, क्योंकि औरंगजेब का दौर वो दौर है जिसमें असल में मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गई है बिकॉज ऑफ सम रिफॉर्म्स ऑफ औरंगजेब अबाउट विच वी विल टॉक। तो ये चार जो बेटे थे शाहजहां के, दारा शिकू, मुराद, शाह शुजा एंड औरंगजेब, ये चारों मुख्तलिफ चार सूबों के गवर्नर थे इन द लाइफ ऑफ शाहजहां। तो जैसे ही ये पता चला कि शाहजहां बीमार हो गया एंड ही इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन विद द दिस एम्पायर, तो इन बेटों ने, इन सक्सेसर्स ने आपस में वॉर शुरू कर दी, वॉर ऑफ सक्सेशन जो चलता आ रहा था। नाउ दिस वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज एक्चुअली जैसे ही स्टार्ट हुई, पहले दो इसके जो बेटे थे जिनका नाम थे शाह शुजा और मुराद, उन्होंने अपने नाम के सिक्के राइज कर दिए, मींस दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द एम्परर ऑफ द स्टेट, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसे कर ली। और इसमें जो दारा शिकू था ना, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, और शाहजहां यही चाहता था कि दारा शिकू को एम्परर बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पे मुराद और औरंगजेब मिले, उन्होंने दारा शिकू के अगेंस्ट वॉर की, उसको वहाँ कत्ल कर दिया। फिर जो चौथा इनका भाई बचता था शाह शुजा, उसको भी इन्होंने मार दिया एक बैटल में, और इस तरह जो है इनकी बैटल्स चलती रही, वॉर ऑफ सक्सेशन चलती रही, और अल्टीमेटली औरंगजेब वाज बिकेम द एम्परर, द नेक्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर। उसने शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया, मींस इन वन बिल्डिंग, वो उधर ही रहा आगरा में, और वहाँ ही उसकी डेथ हुई। तो यहाँ से इस तरह से शाहजहां से शिफ्ट हो गई एम्पायर टू औरंगजेब। नाउ वी विल सी, और यही वो पॉइंट है जहां से असल में डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर शुरू हुआ है। तो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स ऑफ औरंगजेब और द रीजंस बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली द एम्पायर गो टूवर्ड्स द डिक्लाइन। तो यहां से असल में वो स्टार्ट होता है। अच्छा, अब अगर औरंगजेब के रेन की बात की जाए, औरंगजेब के एम्पायर की बात की जाए, तो शाहजहां ने जो एम्पायर छोड़ी दैट वॉज वेरी कंसोलिडेटेड, और ऐसी कंसोलिडेटेड एम्पायर नो डाउट अकबर ने स्टार्ट किया, फिर जहांगीर ने उसको डेवलप किया, फिर शाहजहां ने, इन तीनों के दौर में ये बड़ी कंसोलिडेटेड रही। लेकिन औरंगजेब के दौर में वो वैसी रही नहीं, उसकी कुछ रीजंस थी। पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ कि औरंगजेब के दौर में औरंगजेब क्या करता था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ औरंगजेब लाइफ। देखिए, उसने दो काम किए, वो असल में ये चाह रहा था कि अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करे और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या जो बागी लोग हैं उनके साथ फाइट करे। उनमें एक तो उसका पर्पस था कि वो नॉर्थ साइड जो थी, नॉर्थवर्ड अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करना चाह रहा था, जहां उसको पठान लीडर्स के साथ फाइट करनी थी, दैट वाज नॉट एन इजी टास्क। और सेकेंडली ही वाज ट्राइंग टू, एज इन द रेन ऑफ शाहजहां ही वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, तो वो डेक्कन में जो मराठास के अगेंस्ट उसकी वॉर चल रही थी ऑलरेडी, उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाना चाहता था। और मराठास का लीडर शिवाजी, ही वाज वेरी स्ट्रांग, और मराठास की पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो ये दो चीज़ें थी असल में, एक नॉर्थवर्ड मूव करना और एक दक्कन में मराठास के साथ वॉर करना। तो असल में औरंगजेब का ज़्यादा टाइम इन दोनों वॉर्स में गुजरा। ही वॉज ट्राइंग टू कैप्चर द होल डेक्कन टू फाइट अगेंस्ट द मराठास, एंड ही वॉज ट्राइंग टू स्प्रेड हिज एम्पायर टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब इन दोनों चीज़ों पे, बिकॉज ही वॉज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड द स्टेट वॉज इन द स्टेट ऑफ वॉर, द होल एम्पायर वॉज इन द स्टेट ऑफ वॉर, एंड 25 ईयर्स औरंगजेब स्पेंड
a lot of money, a lot of power fighting against Marathas in Deccan. But still he was not successful in that. और यही actual reason थी कि all the treasure, all the money, all the wealth was invested in that task to fight against the Marathas और वो भी successful नहीं हो सकी. तो उस वजह से overall मुगल empire को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो औरंगज़ेब की ज़्यादातर जो empire का जो time था, ज़्यादातर जो उसके reign का time था, that was spent fighting against Marathas. Now coming towards the reforms, उसने reforms क्या क्या की. देखें आप जब भी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो या कोई भी हिस्ट्री पढ़ें, देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हिस्टोरियंस हु आर राइटिंग अबाउट द हिस्ट्री. कुछ मुस्लिम हिस्टोरियंस होंगे, कुछ हिंदू हिस्टोरियंस होंगे, कुछ इंग्लिश हिस्टोरियंस होंगे. एवरीवन विल राइट एज पर हिज ओन पर्सपेक्टिव. इसलिए हिस्ट्री में ना आपको चीज़ें बड़ी कंसोलिडेटेड और कंक्रीट नहीं मिलेंगी. देर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द हिस्ट्री. ऐसा ही औरंगजेब के केस में भी है. औरंगजेब के बारे में मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि बहुत ही नेक इंसान था और उसके रिफॉर्म से भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है. वो कहते हैं कि ये ही वाज द पर्सन जिसने अपनी ज़ात पे कभी कोई पैसा नहीं लगाया. वो खुद टाट सीता था और उस पर बैठता था और कुरान को खुद हाथ से लिखता था और उसको बेच के, उस स्क्रिप्ट को बेच के अपना गुजर बसर करता था. एंड वॉज ही वॉज हैविंग वेरी मच पेन फॉर हिज पीपल और वो उनका ख्याल रखता था, उनकी वेल बींग के लिए काम करता था. ये सब कुछ फिर उसकी जो रिफॉर्म्स थी वो ये थी कि उसने जिजिया टैक्स जो अकबर ने अपने दौर में रिमूव किया फ्रॉम नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, इसने दोबारा इम्पोज कर दिया. फिर मुगल एम्प्रेस ने जो डांसिंग का कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया था कोर्ट में, इसने उसको ख़त्म करवा दिया. फिर इसने अल्कोहल की कंजम्पशन को बैन कर दिया. फिर इसने बहुत से ऐसे टैक्स थे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर इम्पोज थे, लैंडलॉर्ड्स पे, फार्मर्स पे, इसने उनको ख़त्म करवा दिया. तो ये वो पर्सपेक्टिव है, ये वो पर्सनैलिटी है औरंगज़ेब की जो मुस्लिम लिखते हैं. मुस्लिम हिस्टोरियन क्लेम दैट ही वाज वेरी वेरी नोबल पर्सन. लेकिन हिंदू जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि इफ़ ही वाज सच अ नोबल पर्सन व्हाई ही किल्ड हिज ओन फादर, व्हाई ही किल्ड हिज ओन ब्रदर्स टू गेट द एम्पायर. एनी हाउ ये तो एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं हमारा. वी इफ़ वी कम टूअर्ड द रिफॉर्म्स ऑफ द औरंगज़ेब तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसने जिजिया टैक्स इम्पोज करवा दिया, उसने अल्कोहल को बैन किया, उसने हाँ ही डिक्लेयर्ड अ प्रॉपर लेंथ ऑफ द बियर्ड एज वेल कि इतनी लेंथ कम अज़ कम मिनिमम होनी चाहिए फॉर द मुस्लिम इन द कम्युनिटी. फिर उसने कुरान ये लाइक डांसिंग को बैन किया, उसने अल्कोहल को बैन किया. लाइक जो भी नॉन मुस्लिम कल्चर्स इन द कोर्ट ऑलरेडी चल रहे थे उसने उन सबको डिमोलिश कर दिया. अब आते हैं टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स जो कि औरंगज़ेब के साथ थी. देखिए बहुत से हिस्टोरियंस लिखते हैं कि औरंगज़ेब वाज एक्चुअली द पर्सन जो ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ मुस्लिम था क्योंकि ही वाज रूलिंग एन एम्पायर जो कंबाइंड एम्पायर थी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. सो ही शुड नॉट गो लाइक दिस, ही शुड नॉट इम्पोज जिजिया टैक्स एंड ही शुड नॉट डिमोलिश ऑल दीज थिंग्स के जो ऑलरेडी उसके फोर फादर्स कर रहे थे, उसने उन सारों को डिमोलिश किया. तो ये एक रीज़न थी फॉर द ये एक रीज़न थी कंस्पायरेसी की कि लोग उससे एज अ लीडर, एज अ रूलर ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ही शुड टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इन द सोसाइटी एज वेल. फिर सेकेंडली वो जो वॉर की सिचुएशन थी, लोग कहते हैं कि ही वॉज गेटिंग, हिस्टोरियंस लिखते हैं ही वॉज कलेक्टिंग द मनी ऑन द नेम ऑफ द बैटल, ऑन द नेम ऑफ वॉर, एंड ही वॉज स्पेंडिंग दैट मनी इन हिज ओन इंटरेस्ट. जैसे वो मस्जिदें तामीर करवा रहा था, मोती महल मस्जिद है उसकी फेमस मस्जिद जो उसने तामीर करवाई आगरा में, अब हाँ पर्ल मॉस्क इन दिल्ली, वो दिल्ली में थी, वो उसने बनवा दी और बहुत सी मस्जिदें तामीर करवाई. वो कहते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा पैसा जो वॉर के लिए लिया गया वो वॉर पे इन्वेस्ट नहीं किया और वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करता रहा जिसकी वजह से मुगल एम्पायर की ट्रेजरी जो थी दैट वॉज कम्प्लीटली फिनिश्ड एंड दे वर नॉट एबल टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, और वो स्टेबल नहीं हो सके और अल्टीमेटली मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ चली गई. फिर जो चीज़ें इसने नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ पे लगाई थी, नॉन मुस्लिम उसके अगेंस्ट कंस्पायरेसी करते रहे और वो कंस्पायरेसी उसको अल्टीमेटली उसको भी डिक्लाइन की तरफ ले गई और साथ ही साथ मुगल एम्पायर के लिए. अभी तक तो हमने बात की रिफॉर्म्स ऑफ द औरंगज़ेब जो मुगल एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ लेके गई. लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेसर्स ऑफ द औरंगज़ेब. देखिए औरंगज़ेब के तीन बेटे थे एंड इन हिज ओन लाइफ औरंगज़ेब वाज ऑफ द ओपिनियन कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे बेटे भी वॉर ऑफ सक्सेशन करें एंड दे शुड अगेन फाइट फॉर द सेक ऑफ थ्रोन. तो उसने ये किया
कि अपनी एम्पायर को पहले ही अपनी जिंदगी में ही तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया और तीनों बेटों को एक एक पार्ट दे दिया। ये भी एक रीज़न थी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की, क्योंकि ही हिमसेल्फ डिवाइड हिज ओन कंप्लीट कंसोलिडेटेड एम्पायर, उसने एम्पायर को कंसोलिडेट करने की बजाय उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ वही, उसके मरने के बाद उसके बेटों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया और उनमें से उन तीनों में से प्रिंस मोजम था हु बिकेम द रूलर। और प्रिंस मोजम के मरने के बाद फिर उसके चार बेटे थे जिनमें अगेन फाइट हुई और उनमें से जहानदार शाह जो था ही वॉज बिकेम द रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और जहानदार शाह ही वॉज सर्वाइव जस्ट फॉर वन ईयर, एक साल के अंदर उसके वो भी कत्ल कर दिया गया। अगर मैं इसको कंसोलिडेट करके या इसका लुबे लुबाब बयान करूं तो औरंगजेब की वफात के 10 साल के अंदर अंदर 12 रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर चेंज्ड। एक्चुअली इन दिस टाइम द होल मुगल एम्पायर एंड द होल कोर्ट एंड द मैनेजमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ द नोबल्स, और वो नोबल्स जिसको चाहते थे उसको अपॉइंट कर देते थे एज अ रूलर, एंड इफ ही वॉज गोइंग अगेंस्ट दैम तो वो उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर देते। तो ये गेम चलती रही फॉर इन विद इन 10 ईयर्स 12 रूलर्स जो हैं उनको चेंज किया गया। तो उनको चेंज किया गया या वो चेंज हुए, तो इस वजह से भी एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हुई। अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि वट वर द रीजन्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब का जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाले टेन्योर को लाजमी मेंशन करना है कि औरंगजेब के तीन बेटे, औरंगजेब का अपनी एम्पायर को डिवाइड कर देना, उसके बाद जहानदार शाह और उसके बाद पहले मोजम, फिर उसके चार बेटे, फिर उनमें से जहानदार शाह, और फिर 10 सालों में 12 एम्परर्स का बदला जाना। ये मेजर रीजन सी औरंगजेब की डेथ के बाद जो कि रीजन बनी फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद एक ही कंसोलिडेटेड पर्सन आया, एक ही पर्सन ऐसा आया जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसको उर्फ आम में कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, बिकॉज ही वॉज हैविंग वेरी मच इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ लग्जरी, तो उसको मोहम्मद शाह रंगीला हिस्टोरियंस ने लिखा है। तो वो मोहम्मद शाह था जिसने तकरीबन 30 ईयर्स तक रूल किया ऑन टू द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन उसके दौर में भी सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर कंसोलिडेट ना हो सकी बल्कि वीक ही होती रही। तो अभी तक जो हमने बात की है ना डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर की, उसमें हमने जो फैक्टर्स देखे हैं वो जस्ट अबाउट द रूलर्स बात की है, कैसे बाबर और हुमायूं के बाद से कैसे बाबर और हुमायूं के बाद से मुगल एम्पायर कंसोलिडेट हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता औरंगजेब के दौर में आके उसकी रिफॉर्म्स की वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गई, अभी तक ये बात हुई है। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फैक्टर्स जो कि डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर की रीजन बने। उनमें से एक था फॉरेन इन्वेडर्स। देखें हर दौर में सब कॉन्टिनेंट में फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे हैं जिन्होंने आके सब कॉन्टिनेंट में वॉर की, यहाँ से पैसा लूटा और वापस चले गए। अब ये जो लोग थे, ये जो पावर्स थी, दीज वर एक्चुअली द रीज़न, वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वीक होती रही। जैसे अगर हम बात करें, शाह वलीउल्लाह ने खत लिखा था सैयद अहमद शाह अब्दाली को, ही केम टू द सब कॉन्टिनेंट। अगर वो सब कॉन्टिनेंट में आया, उसने मराठास को शिकस्त दी यहाँ के मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर, तो वो ऐसे ही तो नहीं चला गया होगा। ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द लोकल लीडर्स मराठास को शिकस्त देने के रिटर्न में। तो उसने भी मुसलमानों को यहाँ सब कॉन्टिनेंट के लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। फिर ये मोहम्मद शाह रंगीला जो लास्ट एम्परर जिसकी मैंने लास्ट पे बात की, इसके दौर में एक और इन्वेडर आया, अफगान इन्वेडर जिसको कहते हैं नादिर शाह। ये दो पर्सन है, इनका ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक नादिर शाह और एक क्या नाम था, सैयद शाह वलीउल्लाह के दौर में जो है अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों के दौर में, इन दोनों की जो इन्वेडिंग है टू द सब कॉन्टिनेंट, उसने सब कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। नादिर शाह ने तो इंतहा की, कहते हैं कि जब नादिर शाह आया तो वो बहुत ज़्यादा मालो दौलत यहाँ से लेके गया सब कॉन्टिनेंट से। तो हम कह सकते हैं कि तीन नेशंस थी जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया। सबसे पहला अफगान रूलर्स, फिर पर्शियन रूलर्स और फिर मराठास। अब ये तीन पावर्स थी जिनमें पर्शियन रूलर्स में नादिर शाह, अफगान रूलर में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी, और तीसरा मराठा। इन तीनों ने मुसलमानों को इनटू द सब कॉन्टिनेंट, मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा तोड़ा, बहुत ज़्यादा वीक किया। एंड दीज थ्री टाइप ऑफ इन्वेडर्स वर वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इनटू द सब कॉन्टिनेंट।
जितने भी लोग आते रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा जेवरात और गोल्ड और कैश लेकर यहाँ से जाते रहे हैं। सो दैट वाज एक्चुअली वो खाली कर रहा था सब कॉन्टिनेंट में मुगलों के खजाने को, तो वो मेजर रीजंस थी। अब नादिर शाह की अगर बात करें तो एक बड़ा लंबा डिटेल्ड वो टॉपिक है, आई एम नॉट गोइंग टू कवर द होल टॉपिक क्योंकि वो इसके स्कोप से बाहर है। नादिर शाह का जो हमला है इनटू द सब कॉन्टिनेंट, उसके वो कहते हैं कि ये जो था मोहम्मद शाह रंगीला, ही वॉज बिजी इन हिज गैदरिंग ऑफ डांस एंड म्यूजिक, तो उसके एम्परर ने, उसके लीडर ने, उसके जनरल ने आगे उसको बताया कि नादिर शाह ने हमला कर दिया, तो उसने एक बड़ा हिस्टोरिकल, मशहूर हिस्टोरिकल क्लॉज बोला पर्शियन में कि दिल्ली दूरस्थ, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, नादिर शाह कैन नॉट कम एंड कंकर टू कंकर द दिल्ली बिकॉज इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम हिम। और फिर वो कहते हैं कुछ देर बाद फिर आया और उसने यही बात की, तो अगेन जो है रंगीला साहब ने यही बात की कि दिल्ली दूरस्थ, तो वो ऐसे ही चलता रहा और अल्टीमेटली नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। कहते हैं नादिर शाह को पहले मोहम्मद शाह रंगीला ने ऑफर की कि ठीक है, यू कैन, आई विल मैरी माय वन ऑफ द डॉटर विद यू एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ गोल्ड, सो यू शुड नॉट से एनीथिंग टू अस एंड यू शुड गो। अब हुआ ये कि नादिर शाह को इनवाइट किया इसने अपनी कोर्ट में, तो जब वो कोर्ट में आया तो एक अफवाह फैल गई कि शायद नादिर शाह ने धोखा दिया है, सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला ने धोखा दिया नादिर शाह को और उसको कोर्ट में बुला के कत्ल कर दिया। जब ये बात उसकी आर्मी तक पहुंची था तो आर्मी में एक बड़ा क्योस सा क्रिएट हुआ और वहाँ के जो लोकल दिल्ली के लोग थे उन्होंने नादिर शाह की आर्मी को कत्ल करना शुरू कर दिया। अब जब नादिर शाह को ये बात पता चली बिकॉज ही वॉज अलाइव, तो फिर उसने ऑर्डर दिया कि ठीक है अब कत्लो गारत आम कर दो, तो बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया सब कॉन्टिनेंट में। एनी हाउ ये बड़ी डिटेल डिस्कशन और बड़ा डिटेल सा एक वाक्य है नादिर शाह के हमले का। तो उसने नादिर शाह ने यहाँ से बहुत ज़्यादा मकदार में पैसा, ज्वेलरी सब कुछ इकट्ठा किया और वह यहाँ से वापस चला गया। तो ये जो फॉरन इन्वेडर्स थे, फॉरन इन्वेडर्स वर वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन टू द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा कुछ और रीजन है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखो सब कॉन्टिनेंट वॉज अ वेरी लार्ज एरिया और मुगल एम्पायर जो थी ना, मुगल एम्पायर वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट कम्प्लीटली। पहले वाले रूलर जो थे दे वर हैविंग इनफ गट्स टू कंट्रोल द होल एम्पायर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब कोई भी ऐसा रूलर ना आ सका जो पूरी मुगल एम्पायर को कंट्रोल कर सके। हर एक पार्ट ऑफ द एम्पायर वॉज रूलिंग इंडिपेंडेंटली, जिसकी वजह से वो सेंटर के पास कोई भी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा था, सेंटर जो है वो वीक होता जा रहा था और अल्टीमेटली वो डिक्लाइन की तरफ गया। फिर मिलिट्री कॉस्ट, अब इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स चाहिए थी और उस मिलिट्री फोर्स की एक अच्छी खासी कॉस्ट थी। अब मुगल्स के पास क्योंकि कभी इन्वेडर्स आ रहे थे, कभी उनकी अपनी लग्जरीज, उनकी अपनी तामीरात और वो सारी चीज़ों में इंडल्ज थे, तो मिलिट्री की कॉस्ट जो थी वो बियर नहीं कर पा रहे थे और मिलिट्री जो है वो उससे इफेक्ट होती जा रही थी। और फिर एक वॉर ऑफ सक्सेशन, हर एक एम्परर के मरने के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही थी और एम्परर वॉज लिविंग फॉर मे बी 3 years, फॉर 4 years एंड इवन 1 year एंड इवन सम मंथ्स। तो जब कुछ महीनों के बाद दोबारा से वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होगी तो आप सोचें कि हाउ द स्टेबिलिटी इन द एम्पायर विल कम। तो वो अनस्टेबिलिटी इन द एम्पायर वॉज अ लॉट, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द सेक ऑफ द एम्पायर, दे वर डूइंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से पूरी एम्पायर जो है वो कोलैप्स होती गई आहिस्ता आहिस्ता और अल्टीमेटली कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। तो ये कुछ रीजन्स थी जो मुगल्स को डिक्लाइन की तरफ लेकर गई। एक दो और रीजन है जैसे मुगल्स का एडवांस टेक्नोलॉजी से अनअवेयर होना। देखो मुगल्स जो थे वो अभी तक अपने वही ओल्ड वॉर टैक्टिक्स में बिजी थे, उन्होंने अभी तक कोई नई जदीद चीज़ सीखने की कोशिश नहीं की कि कोई नया असला लाया जाए, अपनी मिलिट्री को इक्विप्ड किया जाए विद द एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो उन्हीं पुराने वॉर टैक्टिक्स में लगे रहे जो अल्टीमेटली उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए। फिर उसके बाद वीक कंट्रोल था, मुगल्स का कंट्रोल बहुत वीक हो गया था विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे वर नॉट इवन, जब एक एरिया में कोई गवर्नमेंट ही ज़्यादा टाइम नहीं गुजार रही, कोई रूलर ही ज़्यादा टाइम नहीं गुजार रहा, तो कैसे वो जो जगह है वो कंसोलिडेट होगी। और लास्ट रीज़न फिर बनी अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो एक पूरा टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि ब्रिटिशर्स कैसे आए और उन्होंने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनियाँ डेवलप की और फिर उसको कैसे डेवलप करके
यहाँ के इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। शुरू हुआ था ये जहांगीर के दौर से और फिर चलता चलता ये इनका कंट्रोल बढ़ता गया। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इफ़ आई जस्ट कंसोलिडेट देम, तो हमने बात की मुगल एम्पायर के स्टार्ट की, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, फिर औरंगज़ेब की वो रिफॉर्म जिसकी वजह से मुग़ल सल्तनत पे जवाल आया, डिक्लाइन आया, एंड देन आफ्टरवर्ड औरंगज़ेब के बाद के रूलर्स मौज़म, जानदार शाह, और उसके बाद 10 ईयर्स में 12 रूलर्स का आना, और जो है जो आपकी एम्पायर है मुग़ल एम्पायर उसका वीक हो जाना। इसके अलावा हमने बात की अदर फैक्टर्स की जिसमें इन्वेडिंग फोर्सेस थी पर्शियन, अफगान और मराठाज, और फिर हमने बात की मुगल्स के अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स की, मिलिट्री कॉस्ट की, और अनअवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी की, ओल्ड वॉर टैक्टिक्स की। ये सारी वो रीजंस हैं, और अल्टीमेटली द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ये सारी वो रीजन हैं जिनकी वजह से मुगल्स पे डिक्लाइन आया। तो अब आपके पास आई होप सो इतना नॉलेज है कि एनी क्वेश्चन 4 मार्क 7 मार्क और 14 मार्क क्वेश्चन यू कैन ईजिली आंसर अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिफोर और ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब एंड आफ्टर द रेन ऑफ औरंगज़ेब। ये दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ईजिली नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टॉक टू मी डायरेक्टली। होपफुली दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।